गदर 2 को ऑस्कर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स। डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले, 40 साल से काम कर रहे हैं पर कोई अवार्ड नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं सीबीसी फिल्मी। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 470 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म अब 500 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स इसे ऑस्कर में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इन दिनों वो और उनकी टीम अब इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के दिए एक इंटरव्यू में अनिल ने कहा, गदर नहीं गई थी तो मुझे नहीं पता कि गदर 2 कैसे जाएगी। मुझे लगता है कि गदर 2 जानी चाहिए, ये फिल्म इतना तो डिजर्व करती है। गदर भी डिजर्व करती थी, उसकी कहानी 1947 के बंटवारे पर बेस्ड थी। हमने वो कहानी एकदम अलग अंदाज में पेश की थी, वो नई और ओरिजिनल कहानी थी और गदर 2 भी कुछ ऐसी ही है। अनिल ने अवार्ड्स ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं 40 साल से काम कर रहा हूं पर ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ काम ही नहीं किया हो। मुझे नहीं पता अवार्ड पैनल में कौन बैठता है पर वो मुझे कभी कोई अवार्ड देते ही नहीं। बता दें कि फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर 470 करोड़ से भी ज़्यादा कमा चुकी है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 740 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमा लिए हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा भी अहम रोल में नजर आए हैं। आपको क्या लगता है, गदर 2 ऑस्कर्स में जानी चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।